वेलकम व्यूअर्स, आज का हाउस प्लान 25 फीट बाय 35 फीट का है। सो व्यूअर्स, हमने डिजाइन के हिसाब से मैंने यहाँ पे कॉलम भी लेआउट करके रखा हूँ, जो कि पहले जो हमारा ये कॉलम इरेक्ट कर लेंगे और उससे पहले ही हमने देख लेंगे जो हमारा बिल्डिंग का साइज होगा। सो व्यूअर्स, चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल में नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल में आपको नया नया एक हाउस प्लान देखने मिलेगा। सो ये हमारा बिल्डिंग का जो फेस है, ये है 25 फीट का है, और जो बिल्डिंग का लेंथ है ये 35 फीट है। सो अब चलते हैं, इसका कॉलम जो है, हमने कॉलम इरेक्ट कर लेता हूँ। 10 फीट तक हमने कॉलम इरेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि बिल्डिंग का जो हाइट है, मैंने स्टैंडर्ड साइज रखा हूँ 10 फीट। सो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे कॉलम भी खड़ा किया हूँ, और कॉलम के हिसाब से हमने यहाँ पे स्टेयर भी प्रोवाइड करके रखा हूँ। और जो कॉलम मैंने यहाँ पे रखा हूँ, कॉलम का जो साइज है ये 10 इंच बाई 10 इंच का है। स्टील के बारे में बात करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर के हिसाब से आप लोगों को रखना होगा। मैं यहाँ पे जो मिनिमम स्टील होगा वो 12 mm स्टील होना चाहिए, इससे नीचे नहीं देना चाहिए। और जो स्टीरफ होगा ये 8 mm का होगा। सो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने टोटल 12 कॉलम यूज किया हूँ, और कॉलम का साइज 10 इंच बाई 10 इंच। देखिए ये कॉलम का है, और कॉलम ग्रिड में है, जिसमें कि हमने आप बना लेता हूँ हम इसका वॉल। ये वॉल को मैंने लिंटेल हाइट तक उठा लेता हूँ, मतलब 7 फीट 6 इंच 7 फीट हमारा लिंटेल का बॉटम होगा, और 6 इंच का लिंटेल का थिकनेस होगा। ये जो बाहर वाला वॉल मैंने बनाया हूँ, एक्सटर्नल वॉल, इसको मैंने 10 इंच रखा हूँ, और जो इंटरनल वॉल मतलब अंदर वाला वॉल है, ये हमने 5 इंच का रखा हूँ। 10 इंच वॉल में हमें थोड़ा सा वेदर को ट्रीट कर रख के रखता है, मतलब हीट कम करता है। ये हमारा प्लिंथ हाइट है, ये बिल्डिंग का चारों साइड में ही रहता है। यहाँ पे जो प्लिंथ हाइट है, ये मैंने यहाँ पे 1.5 फीट रखा हूँ, मतलब रोड लेवल से हमारा जो बिल्डिंग है, ये मैंने यहाँ पे रोड लेवल से बिल्डिंग का हाइट 1.5 फीट है, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे स्टेप बनाया हूँ। 3 स्टेप, हर स्टेप का 6 इंच करके हाइट है, और बीच में एक रैंप दिया हूँ, क्योंकि अगर बाइक पार्किंग करना होगा सो ये उसका काम पे। जैसे हमने एंट्रेंस किया, स्टेप के बाद हमारा मिल रहा है बारांदा, बेलकोनी टाइप। ये 13 फीट 8 इंच बाई 4 फीट 8 इंच का है। साइट आउट पोर्शन है, ये हमने फर्नीचर भी लेआउट कर लिया हूँ साथ में, जो कि क्लियर हो गया है। हमने कहा बेडरूम लेइंग करके रखा हूँ, ये 3 बेड और किचन डाइनिंग। अब चलते हैं, इंटरनल जो वॉल है ये भी हमने इरेक्ट कर लेते हैं। ये बेडरूम का वॉल है, ये बेडरूम वॉल, साथ में हमारा कॉमन टॉयलेट, और ये हमारा डाइनिंग का, ये तीसरा बेडरूम का वॉल। वॉल का जो थिकनेस है 5 इंच का है। ये हमारा किचन हो गया, और उसके साइड में हमने स्टेयर को बाहर वाला पोर्शन में दिया हूँ। आप ये जो हमारा लिंटेल होगा, इसको मार्किंग कर लेते हैं कलर से, जिसके समझ में आ जाए, और कहाँ कहाँ वॉल हमने पार्टीशन वॉल भी प्रोवाइड किया हूँ, इसमें अच्छे से समझ में आ जाता है। व्यूअर्स, इसको मैंने 7 फीट के ऊपर में रखा हूँ। बिल्डिंग का जो डोर, मतलब लिंटेल का बॉटम होगा, ये 7 फीट होगा, उसके ऊपर में 6 इंच का हमारा लिंटेल है, 6 इंच बाई 10 इंच बाहर में, और अंदर में 6 इंच बाई 5 इंच का है। शुभिर, सब चलते हैं, हमारा जो डोर, मेन डोर होगा ये, देखिए यहाँ पे हमने बिल्कुल पता चलेगा कि ये लिंटेल है, जो कि 6 इंच बाई 5 इंच का है, इंटरनल वॉल में है इसीलिए।
और उसके बाद ये हमने हमारा स्टेयर का है, स्टेयर पैसेज है। यहाँ पे जो स्टेयर मैंने रखा हूँ ये थ्री फीट का रखा हूँ लेंथ, और जो राइजर है ये हमारा 10 इंच का है, राइजर 6 इंच का है, और ट्रेड जो होगा ये 10 इंच का है। मतलब स्टेयर का जो हर स्टेप होगा वो हाइट 6 इंच होगा, कंफर्टेबल हाइट है, और जो चौड़ाई है ये 10 इंच का है। ये हमने साथ में डोर भी बना लेता हूँ किचन का, ये किचन का डोर है। ये डोर का जो साइज है यहाँ पे ये 3 फीट बाई 7 फीट का है, और जो हमारा मेन डोर होगा ये 3 फीट 6 इंच मिनिमम, इससे ज़्यादा रख सकते हैं, 3 फीट 6 इंच बाई 7 फीट। ये डोर का बेडरूम का डोर है, ये जिसका साइज है 3 फीट 4 इंच का मिनिमम, अब इससे बड़ा रख सकते हैं, 3 फीट से छोटा नहीं रखिए। मैंने यहाँ पे 3 फीट 4 इंच रखा हूँ। बेडरूम का जो साइज है 9 फीट 3 इंच बाई इस साइड में 11 फीट 1 इंच। व्यूअर्स इसको आप चौड़ाई और ज़्यादा रख सकते हैं, अगर 5 इंच वॉल करेंगे तो ज़्यादा ही हो जाएगा। ये हमारा हॉल रूम है, हॉल रूम का जो साइज है 13 फीट 8 इंच का है, जो कि किचन से हमारा एक्सटर्नल वॉल तक, और इस साइड में हमारा जो है 10 फीट 5 इंच का है। मतलब काफ़ी बड़ा हॉल रूम है हमारा, साथ में एक ही साथ में दिया हूँ डाइनिंग और ड्राइंग रूम। अब चलते हैं किचन में। ये हमारा किचन है जिसका साइज 9 फीट 3 इंच बाई 6 फीट का है। व्यूअर्स ये भी काफ़ी अच्छा एक किचन है। अब चलते हैं हमारा कॉमन टॉयलेट में। कॉमन टॉयलेट का पहली जो है हमारा डोर बना लेते हैं लिंटेल, और जो हमारा डोर होगा यहाँ पे 2.5 फीट बाई 7 फीट का है। व्यूअर्स जो हमने यहाँ पे टॉयलेट प्रोवाइड किया हूँ, टॉयलेट से पहले ही मैंने एक बेसिन दिया हूँ, उसके बारे में बात करेंगे। ये टॉयलेट जो है 7 फीट बाई 4 फीट का है, और ये देखिए ये हमारा वॉश बेसिन है जो कि हैंड वॉशिंग करने के लिए यहाँ पे देंगे, और एक मिरर भी यहीं पे प्रोवाइड करेंगे। ये अब चलते हैं हमारा पैसेज के साथ साथ हमें चलेंगे दूसरा बेडरूम, जिसके साथ हमने दूसरा और तीसरा बेडरूम में चलेंगे। पीछे वाला जो 2 बेडरूम है जिसका डोर साइज है 3 फीट 4 इंच बाई 7 फीट का है। आप लोग इसको 3 फीट 6 इंच भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जगह अवेलेबल है। अब चलते हैं हमारा मास्टर बेडरूम के साथ, और मास्टर बेडरूम को बाजू में ही हमने दिया हूँ और एक बेडरूम। ये पहले इस बेडरूम में हमने बात कर लेते हैं, 9 फीट 3 इंच बाई 11 फीट है। अब चलते हैं हमारा मास्टर बेडरूम, और मास्टर बेडरूम के साथ साथ हमने एक अटैच टॉयलेट दिया हूँ। मास्टर बेडरूम का साइज 9 फीट 3 इंच बाई 11 फीट का है, और जो अटैच यहाँ पे टॉयलेट दिया हूँ उसका डोर साइज जो होगा ये 2.5 फीट बाई 7 फीट का है, और जो इसका साइज होगा ये भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा चौड़ाई होगा टॉयलेट का ये लंबाई में है 7 फीट 3 इंच बाई 4 फीट का है, ये हमारा अटैच टॉयलेट है। व्यूअर्स ये था हमारा आज का हाउस प्लान है, डिटेल्स प्लान्स आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। व्यूअर्स आप लोगों को कैसा लगा थोड़ा सा हमें कमेंट करके बताइए। अब चलते हैं हमारा जो इसमें डोर विंडो कहाँ, डोर तो हमने देख लिया, अब चलते हैं विंडो कहाँ से हमने प्रोवाइड करेंगे वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फ्रंट साइड में ही, और हर बेडरूम में हमने दो दो करके सॉरी थोड़ा सा जूम करना है, दो दो करके हमने यहाँ पे विंडो प्रोवाइड करेंगे। इसमें फ्रंट साइड में ये देखिए ये लिंटेल लेवल है 7 फीट में हमने रखा हूँ, और जो सील लेवल मतलब विंडो का जो बॉटम लेवल है वहाँ 2.5 फीट में है। इसमें हमने 4 फीट बाई 4 फीट 6 इंचेस करके दो यहाँ पे हमने विंडो दे के रखा हूँ क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। ये एक हो गया, और दूसरा इस साइड में। और अब चलते हैं हमारा जो
डाइनिंग वाला पोर्शन, डाइनिंग ड्राइंग साथ में रखा हूँ। यहाँ पे हमने एक बड़ा सा विंडो प्रोवाइड करेंगे जो कि 6 फीट बाई 4 फीट 6 इंच। इसी तरह हर विंडो हमने बना दिया हूँ व्यूअर्स। आज का जो हाउस प्लान है आप लोगों को कैसा लगा थोड़ा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक दीजिए। थैंक।